हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी बनाने लगे हैं आपके लिए। कि आपको बताते हुए जाएं कि मसाले वाली भिंडी और भुनी हुई भिंडी कैसे बनाते हैं। अभी मैं भुनी मसालेदार भिंडी बनाऊंगी, और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये दो प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई। ये देखें भिंडी किस तरह की कटी हुई है, बारीक सी। ये बहुत मज़े की लगती है। ऑयल 1 कप, और भिंडी के हिसाब से ये हम जीरा है, हल्दी है, नमक है, सुर्ख मिर्च है। इसमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम प्याज डालें। तो व्यूवर्स, ये ऑयल हमने पहले डाला था, थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि भिंडी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये हमने प्याज डाल दिए। अभी हम प्याज को हल्के से ब्राउन करेंगे। असल में जो भिंडी होती है उसमें आपने इसकी लेस होती है अपनी, वो नहीं बननी चाहिए, और दूसरा इसको टूटना नहीं चाहिए। तो हम इसको टूटने नहीं देंगे। हालांकि आपने देखा कि इसकी कटिंग कितनी छोटी थी। ये देखें, ये हल्का सा क्रिस्पी हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, बल्कि हो चुका है। अच्छा सा जैसे ड्राई ड्राई से होना शुरू हो जाते हैं प्याज, इस तरह हो गए हैं। अभी ये देखें, इसका ये कलर है, और जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो भिंडी इसमें डाल देनी है आपने। अभी हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें भी सारी डाल देंगे। भिंडी में ज़रा इसका कलर थोड़ा येलोश करने के लिए हल्दी ज़रा ज़्यादा डालते हैं। एक टेबल स्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च काफ़ी डाल ली। नमक हम डालेंगे। अभी हम इसको भूनेंगे। अभी आपने इसको भिंडी को अच्छी तरह पकाना है। इसी तरह भिंडी में पानी पानी वगैरह कुछ नहीं लगाते, कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ये देखिए, ये भिंडी अभी पक रही है। इसमें हमने कुछ धनिया भी डाल दिया है, थोड़ा सा हम जीरा मसाला भी ऐड कर देंगे। और मीडियम हीट पे हम इसको पका रहे हैं। भिंडी के ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना क्योंकि भिंडी नरम हो जाती है और टूट जाती है उससे। आपने ऐसे ही हल्का फुल्का इसको भूनते रहना है, और थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहना है। कितनी अच्छी भुनी जा रही है भिंडी, और ये अभी तक माशाल्लाह से सही है बिल्कुल। तो हमने इसको बिल्कुल टूटने नहीं देना, बड़े आराम आराम से हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है, मस्त ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह पसंद आए तो ज़रूर इसके मुझे कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ये देखें, ये अभी ऑलमोस्ट हमारी भिंडी डन है, लेकिन अभी मैंने हल्की आंच कर दी है। थोड़ा सा ये ऊपर हल्की आंच पे रहेगी, मज़ीद पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये अभी हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की मसाले वाली बनी है। अभी हम डिश में इसे निकालेंगे, देखें। और ये भुनी हुई मतलब बड़ी अच्छी बनी है। मस्त ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त है। अभी हम इसे डिश में निकालेंगे, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखें जी, अभी हमने इसको डिश आउट किया है।
बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मस्ट, और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।